नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा की सियासी जंग में सभी पार्टियां आखिरी दांव पेच लगाने में जुटी हैं। कोई भी पार्टी अपने हाथ से दांव गंवाना नहीं चाहती, यही वजह है कि चुनाव के आखिरी दौर में पार्टियां आखिरी दांव पेच चल रही हैं, कस रही हैं। चुनाव चढ़ने के साथ साथ पार्टियां रणनीतिक बदलाव कर रही हैं। बीजेपी अपनी रणनीति को हर रोज नए अंदाज में धार दे रही है, तो कांग्रेस भी अपने दिग्गजों को मैदान में उतार कर पीछे नहीं रहना चाह रही। आज खड़गे मोर्चा संभाल रहे हैं तो कल राहुल गांधी संभालेंगे। इस बार बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन में सभी सीटों पर सीधा मुकाबला होने के आसार हैं। अन्य दलों का कोई खास भविष्य नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मतदान भी आर पार के मूड में होता नजर आ रहा है। आखिर क्या है हरियाणा के चुनावी अखाड़े का आखिरी दांव पेच, जानने की करेंगे आज चर्चा। रिपोर्ट। लीजिए, हरियाणा में भी लोकसभा का काउंटडाउन शुरू है और मतदान में महज दो दिन का वक्त ही बचा है, इसीलिए सियासी पार्टियां चुनावी अखाड़े में अपने आखिरी दांव पेच चल रही हैं। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए यहां बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बदल रही है। पहले बीजेपी उम्मीदवार जहां 10 साल के काम पर वोट मांग रहे थे, फिर मोदी जी और राम के नाम पर वोट की अपील हुई, अब प्रदेश के प्रचार में नया नारा गढ़ा गया है, डबल इंजन की सरकार, मोदी की गारंटी, मनोहर का संकल्प। ये भी कि शनिवार को मोदी जी अंबाला और गुहाना पहुंचे तो रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करनाल और दूसरी जगह, सोमवार को अमित शाह करनाल, हिसार और रोहतक पहुंचे तो मंगलवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कुरुक्षेत्र और करनाल सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे। जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, वो गठबंधन परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार का गठबंधन है। एक तरफ मोदी जी हैं जो देश को एक पल रुके बिना, एक क्षण गंवाए बिना, बिना विश्राम किए लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आज गठबंधन बना रहे हैं। और 22 मई को राजनाथ सिंह करनाल लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए घरोंडा में जनसभा कर रहे हैं। उधर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर हर जगह कांग्रेस ने मुकाबलों को रोचक बना दिया है। आपको ऊपर ऊपर मुकाबला दिखाई दे रहा होगा, मैं भी हरियाणा में काफ़ी सारे स्थानों पर जा चुका हूं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी पुराना इतिहास दोहराएगी और जो आम जनता है, सामान्य जनता है और हर वर्ग यहां भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से अपना इतिहास दोहराएगा, फिर से 10 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिताएगा। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार को चंडीगढ़ और अंबाला लोकसभा में पहुंचे तो राहुल गांधी भी 22 मई को चरखी, दादरी, सोनीपत और पंचकुला आ रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन 23 मई को प्रियंका गांधी करनाल पहुंच रही हैं, यानी दोनों बड़ी पार्टियों के नेता हरियाणा का रुख कर रहे हैं। प्रदेश की 10 सीटों पर मुकाबले आमने सामने के हो गए हैं। चूंकि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, इसलिए छोटे दल सर्कल की बाहरी लाइनों पर खड़े अपने रास्ते तलाश रहे हैं। और हाँ, ये लोकसभा चुनाव पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर जाती है तो विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को फिर से फ्री हैंड मिल सकता है, नहीं तो पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चमक फीकी पड़ सकती है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो लोकसभा चुनाव 2024, 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा चुनाव जिस पर हो रहा है और यहां बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी घमासान आगे बढ़ रहा है, लेकिन रणनीति में बदलाव हो रहा है। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, विनय सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का ही स्वागत है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कुछ दिन बाद, दो दिन बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद वोटिंग की तारीख। जो बदलाव की बात की जा रही है, जो दांव लगाया जा रहा है, जो पेच कसे जा रहे हैं, उसे कैसे समझा जाए ये आखिरी वक्त में? देखिए पंकज, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव मेरे को लगता है खिंच गया है, बीजेपी को इस चीज का अंदाजा है।
आप देखिए स्टार वार शुरू हो गया है बीजेपी की तरफ से। स्टार वार के साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूं पिछले 15-20 दिन में बीजेपी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, किस तरीके लोगों को इम्प्रेस किया जाए, कन्विंस किया जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि आपका वोट बीजेपी के लिए, बीजेपी आपके वोट डिजर्व करती है क्योंकि देश को मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। तो ये लगातार रणनीति भी चेंज होती रही है और स्टार वार जो शुरू किया है अब स्टार वार को खत्म कांग्रेस करेगी, क्योंकि कल 22 तारीख को राजनाथ सिंह आ रहे हैं। बीजेपी की तमाम बड़ी लीडरशिप, जो बड़ी लीडरशिप है उनका ध्यान हरियाणा पर तो रहा है, करनाल पर खास तौर पे, क्योंकि दो बड़े चुनाव हो रहे हैं। मनोहर लाल बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री है और हाईकमान के चहेते हैं, उनको प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी जी को समर्थन दो। मनोहर लाल अब दिल्ली में बैठकर हरियाणा की सेवा करेंगे और अब नायब सिंह सैनी के बारे में कल अमित शाह जी बोल गए कि आप इनको भी आशीर्वाद दो, आप हरियाणा संभालेंगे, तो वो चीजें क्लियर कर गए हैं। हर दाव कब आजमाया जाए, चूंकि समय अब बहुत कम बचा है, तो बीजेपी ने अपनी सारी ताकत लगा दी और बीजेपी को अंदाजा है कि हरियाणा में कई सीटों पर मुकाबला कड़ा हो चला है और इसी वजह से बीजेपी ने नए नए दाव चले, नए उपाय किए, स्टार वार किया और रणनीति में बदलाव किया। अब कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो आ रहे हैं, जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे आज चंडीगढ़ में थे, अंबाला की जगाधरी सीट पर उन्होंने आज जनसभा को संबोधित किया है, कल राहुल गांधी आ रहे हैं, चरखी दादरी आ रहे हैं, और जगह जाएंगे, परसों प्रियंका गांधी का भी प्रोग्राम हरियाणा का बन गए, सिरसा जाएंगे और करनाल भी आएंगी। तो कुल मिलाकर स्टार वार के साथ ही अब ये चुनाव प्रचार अगले परसों आज 21 तारीख 23 की शाम को खत्म हो जाएगा और फिर 36 घंटे बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी तरह से मतलब दोनों पार्टियां अब अपने दाव चल रही है, आखिरी समय कब किस दाव को चलना है, कब क्या स्थिति सामने आ रही है, उसको ओवरकम कैसे करना है, तमाम तरह की जोर आजमाइश चल रही है और हम देख रहे हैं कि अभी बस 2-3 दिन का ही टाइम बचा है, 2 दिन भर प्रचार खत्म और अगले 36 घंटे में मतदान होगा। तो अब देखते हैं क्या स्थिति, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि लगभग सभी सीटों पर मुकाबला कड़ा हो चला है और जैसा हम बता रहे हैं दर्शकों को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख भी अब दाव पर है, क्योंकि हुड्डा की मर्जी से टिकटों का वितरण हुआ है और हुड्डा की मर्जी से ही उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और प्रदेश प्रभारी है वो भी भूपेंद्र हुड्डा से सहमति जताते हैं। तो कुल मिलाकर भूपेंद्र हुड्डा की साख भी दाव पर है। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर जाती है, जीरो से कुछ सीटों पर आती है, तो विधानसभा में तय है कि भूपेंद्र हुड्डा फिर फ्री हैंड लेंगे, नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा की चमक भी अब पार्टी में कम हो सकती है। इस तरह का समय अब आगे है। चलो, कहीं कहीं नाक का सवाल तो कहीं साख का सवाल। साख भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आप कह रहे हैं कि उनकी साख दांव पर लगी है, बीजेपी के लिए नाक का सवाल है क्योंकि बीजेपी जिस हिसाब से इससे पहले के चुनाव जीतती आई है और इस चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर इस आर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, जिस तरीके से दाव के साथ ही दावा भी किया जा रहा है और दावे ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं कि उन पर क्या विश्वास किया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उदयमान, उनसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने करनाल सीट को लेकर कहा कि 2 लाख वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा है, तो इन दावों पर कितना विश्वास जनता कर पा रही है और कितनी सच्चाई है इनमें? देखिए, दावों का जहां तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी और सबसे पहले कहा था, महीनों पहले कह दिया था कि 10 की 10 जीतेंगे और सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसके बाद शुरुआत एक सीट से की गई थी, यानी रोहतक सीट से की गई थी, और उसके बाद जैसे जैसे एक एक दिन बीतता चला गया, चुनावी मुकाबले का जिक्र होने लगा। और आज का अगर जिक्र करें तो मतदान की तारीख नजदीक आते आते हो सकता है कि 10 की 10 सीटों पर सीधे चुनावी मुकाबले का जिक्र हम करने लगे और काफी हद तक ये जिक्र शुरू भी हो चुका है। आखिरी सीट हम मानकर चल रहे थे करनाल विधानसभा, करनाल लोकसभा क्षेत्र की सीट, और करनाल लोकसभा क्षेत्र की सीट को हम आखिरी इसलिए मान रहे थे क्योंकि वो गैर जाट सीट है, वहां पर जाटों का असर ना के बराबर, और दूसरी बात यह भी थी कि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन जो सामने चेहरा उतारा गया था वो युवा चेहरा था, किसी भी तरह का बड़ा जो है चुनावी अनुभव उनके पास नहीं था और जितने संसाधन यहां पर मनोहर लाल खट्टर या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल के लिए जुटा सकती थी, जितने संसाधनों के अलावा जो मैन
पावर है जो मनोहर लाल खट्टर के लिए वहां पर काम कर सकती थी वो क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए कर सकता है, इस तरह की जो परिस्थितियां उनका आकलन किया जा रहा था। लेकिन अब जो बदले हालात है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहां पर करनाल सीट पर भी चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुरुआत ये मानकर चल रहे थे कि एक तरफा ये चुनाव होगा, मनोहर लाल खट्टर को पसीना बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे दिव्यांशु बुद्धि राजा का चुनावी प्रचार आगे बढ़ता चला गया मनोहर लाल खट्टर को भी पसीना बहाने की जरूरत पड़ी। और यही वजह थी कि उदयभान के सामने मैंने सवाल रखा कि क्या करनाल सीट पर किसी तरह के मुकाबले को माना जाए, तो जवाब यह दिया गया कि करीब 2 लाख वोटों से यहां पर दिव्यांशु बुद्धि राजा गठबंधन के उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करने जा रहे हैं। देखिए जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि बड़ा चेहरा मनोहर लाल खट्टर है तो अपर एज पर तो हम अब भी मनोहर लाल खट्टर को ही मानकर चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का मुकाबला यहां पर खड़ा हो चुका है वो बाकी 9 सीटों के लिए खतरा साबित हो रहा है। दरअसल अगर मनोहर लाल खट्टर की सीट एक नए युवा चेहरे के सामने अगर चुनौती में आ जाती है तो बाकी 9 सीटों पर तो खतरा है ही। यही सबसे बड़ी चिंता यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि करनाल सीट चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए चिंतित है कि अगर करनाल सीट पर भी चुनावी मुकाबला उन्हें लड़ना पड़ रहा है तो बाकी 9 सीटों का क्या होगा। और यही सबसे बड़ा संकट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। संकट से मेरा मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट को हारा हुआ मान रही है। भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत में लग रहा था कि 10 की 10 सीटों पर अगर रोहतक को छोड़ दें तो जो चुनावी मुकाबला होना है सिर्फ रोहतक सीट पर ही थोड़ी मेहनत जो है करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, रणनीतिकारों को, लेकिन अब परिस्थिति है 10 की 10 सीटों पर ही मेहनत करनी पड़ रही है और जो चुनावी मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से सवाल करते हैं कि आखिर अंदर की जो खींचतान है वो कहीं नुकसानदायक तो नहीं होगी, जवाब यह मिलता है कि अंदर की खींचतान अब नुकसानदायक इसलिए नहीं हो सकती है कि ना तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ रही है ना ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इस चुनाव को लड़ रहे हैं। दरअसल हरियाणा प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज जनता है वो इस चुनाव को लड़ रही है, तो ऐसे में अगर नेताओं में किसी भी तरह की खींचतान है, किसी भी तरह के मतभेद है, एक नेता दूसरे नेता को हराने की अगर कोशिश करे भी तो यह संभव कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा। जनता अपने आवेश के साथ, अपने मनोभाव के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ जो है इस चुनाव को लड़ने का काम कर रही है, तो जो वोट मोदी के साथ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो वोट मोदी के खिलाफ है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। आमने सामने की स्थिति है और यहां पर नेताओं को मशक्कत कम करनी पड़ रही है, दरअसल जनता खुद इस चुनाव को लड़ रही है। मोदी को जिताने वाले लोग मोदी को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और मोदी को हराने वाले लोग इंडिया गठबंधन के साथ इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाते नजर आ रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है हरियाणा का सियासी अखाड़ा। सुनील साहब, जिस तरीके से इस चुनाव की शुरुआत हुई थी उस दौरान बीजेपी को अपर एज दिया गया था, ये कहा गया कि मुकाबला जो है वो कड़ा नहीं है, इसमें बीजेपी फेवरेट है, लेकिन जैसे जैसे आगे चुनाव प्रचार बढ़ा है अब मुकाबला कांटे का लग रहा है और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। मनोहर लाल जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, शुरुआत में देखा था कि ऐसा लगा जाहिर सी बात है पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, महेश ने इस बात का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद दिन रात एक करे हुए हैं। और अग्नि परीक्षा दिव्यन ने बताई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी है, क्योंकि आगामी चुनाव, आगामी रणनीति को लेकर चुनावी सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन कई उम्मीदवार भी ऐसे हैं जिनके लिए ये चुनाव आर पार का है, उनके लिए खतरे की घंटी, क्या मानते हैं? देखिए बिल्कुल सही है, जब भी ये चुनाव शुरू हुआ था तो ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से अपना जो है बढ़त बना लेगी, ये बात ठीक है कि रोहतक सीट को छोड़कर। और लेकिन जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, प्रचार पकड़ा, जोर पकड़ा, तो ये मुकाबला कांटे का होता चला गया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में अति आत्मविश्वास था उस समय, उसमें जो करनाल में जो सांसद संजय भाटिया ने कहा था मनोहर लाल जी को, तो आप सिर्फ नामांकन दाखिल करने आना और उसके बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने आना। उनको ये नहीं पता था कि यहाँ मुकाबला इतना कांटे का हो जाएगा कि एक युवा चेहरा ही इतनी चुनौती दे देगा। और अब देखिए कि मनोहर लाल जी को पूरा जो पसीना बहाना पड़ रहा है, संसदीय क्षेत्र में हर गाँव का रोड शो भी निकाल रहे हैं और लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं और धार्मिक जो एक वातावरण बनाने की कोशिश है, मतलब धार्मिक संस्थाओं से भी आशीर्वाद लिया जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो मंगेशकर धाम के प्रमुख हैं उन्होंने 3 दिन कुरुक्षेत्र में कथा की और बाद में वो पानीपत में मनोहर लाल जी के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। तो इस तरह देखिए कि धार्मिक भी भारतीय जनता पार्टी भी जो एक वातावरण बनाना है, जो संतों का आशीर्वाद लेना है, और अभी तो डेरा सच्चा सौदा है, उसकी अभी कोई भूमिका अभी तय नहीं की, हनीप्रीत ने फैसला करना है, तो अभी डेरा का राजनीतिक विंग तो समाप्त कर दिया गया है। और जो दूसरे जो धार्मिक डेरे हैं, डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास का है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए सभी राजनीतिक दल जो है एक समान
मान है और किसी भी विशेष दल के प्रति या विशेष प्रत्याशी के प्रति उनका कोई विशेष अनुराग नहीं है, तो इसलिए हर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जैसे भी हो अब अपने मुकाबले में अपनी बढ़त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और देखिए गुटबाजी तो है, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है और कांग्रेस में भी है, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है, इसका तो कोई स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आएगा, लेकिन एक वातावरण दिखाई दे रहा है। राव इंद्रजीत को भी जो भारतीय जनता पार्टी में उनके विरोधी हैं, चाहे रणधीर कापड़ीवास हो, अरविंद यादव हो, तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो पार्टी का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राव इंद्रजीत के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई आ रही है। फरीदाबाद में कृष्ण पाल गुर्जर को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए और करनाल में भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया और कुछ जो है कांग्रेस में भी कुछ लोगों छोड़कर चले गए, ये तो चुनाव के दिनों में होता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कल्पना नहीं थी कि ऐसी चुनौती मिलेगी। उसका एक कारण ये भी है, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जो समर्थन और विरोध दोनों स्वर ही बोल रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं वो भी बोल रहे हैं और जो विरोधी हैं, जो राज्य सरकार के विरोधी हैं वो भी खुलकर बोल रहे हैं, तो इसलिए एक जो समर्थन और विरोध का एक खुला जो है वो स्पष्ट शक्ति प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इस बार कई बार आकलन करने में कठिनाई हो रही है और इस बार ये अनुमान लगाना कठिन होगा कि अंतिम चुनाव का परिणाम क्या होगा। हालांकि कुछ गिरी रोड पर बैलेट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है काफी सुखद दिखाई देती है, लेकिन चुनौती से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह कुल में आके देखा जाए कि इस बार जो चुनाव है कांटे का है। असमंजस में सियासी पंडित भी हैं, के लिए भी रोहतक सीट जीतना बहुत आवश्यक है। जी जी सर, ये मुकाबला ही कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है। देवेंद्र आपके पास आ रहे हैं, छोटे शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगा। एक तो करनाल वाली बेल्ट जो है, जीटी रोड बेल्ट जिसे कहते हैं, इस पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है सियासी दलों का और बीजेपी का खासकर। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो जंग है ये किसके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को रिपीट करना है और कांग्रेस को बताना है कि देखिए उनमें दमखम है। देखिए पंकज, करनाल की जहां तक बात है, करनाल सीट और रोहतक दोनों सीटों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को हराना चाहती है और करनाल से मनोहर लाल को जिताना चाहती है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस को चला रहे हैं और आगे सत्ता में लाने के दावे कर सकते हैं, दावेदारी कर सकते हैं, ये हुड्डा के विरोधी भी हरियाणा में मानते हैं कि कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के बिना हरियाणा में सत्ता में नहीं आ सकती। तो एक तरफ बीजेपी जोर लगाए हुआ है कि रोहतक से दीपेंद्र को हराया जाए, डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताया जाए, दूसरा करनाल से, चूंकि मनोहर लाल बड़ा चेहरा है और अब तो अमित शाह और पूरी पार्टी कहने लगी है कि मनोहर लाल जी को हम दिल्ली ले जाकर, दिल्ली में बैठकर मोदी टीम में ये हरियाणा की सेवा करेंगे। तो दोनों की योजना का पहले से खुलासा अमित शाह ने कल करनाल में किया है और इससे पहले मनोहर लाल खुद भी कह चुके हैं कि आपने मेरा सहयोग किया, धन्यवाद, लेकिन अब मैं टीम मोदी में जाकर आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। तो मनोहर लाल के लिए बड़ा ऐलान, जजमेंट का फैसला पहले से ही किया जा चुका है। और ठीक रोहतक सीट को अगर बीजेपी जीत जाती है तो चूंकि आगे विधानसभा चुनाव है, भूपेंद्र हुड्डा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर दीपेंद्र ये सीट रोहतक की नहीं जीत पाते, और इसकी पूरी कोशिश है बीजेपी कर रही है। दूसरी चुनौतियों की जहां तक बात है, चुनौतियां मैं समझता हूं दोनों पार्टी के लिए, जिस तरीके से कांग्रेस के लिए एक अवसर है जी विधानसभा चुनाव में मजबूती से जाने का, लोगों पर प्रभाव डालने का, ये मैसेज देना कि कांग्रेस ही सरकार बना सकती है और हरियाणा में सरकार चला सकती है, वो तब जब कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर जाए। और बीजेपी की साख इसलिए कि मोदी जी की पूरी टीम ने, हरियाणा के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। आज भी हम देखें जो प्रचार मीडिया में चल रहा है, बीजेपी का प्रचार सबसे लाजवाब है और सबसे ज्यादा हो रहा है। चलिए फैसला तो जनता ने करना है कि किसके प्रचार में कितना दम है, ये बदलता हुआ माहौल जा रहे कि आप बीजेपी को जिताओ। कभी आपने सोचा था राम मंदिर बनेगा? आप अपनी जिंदगी में आपने राम मंदिर देखा? महेश आपके पास आ रहे हैं, एक छोटा सा जवाब आपसे भी चाहिए होगा। ये बदलते माहौल में अगर पाला इधर पलटा या इधर, उसका मुख्य कारण क्या रहेगा, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बीजेपी के लिए अच्छा हो सकता है और कांग्रेस के लिए नुकसानदेह, और कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा और बीजेपी को नुकसान करेगा, छोटे शब्दों प्लीज।
देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए फायदेमंद मनोहर लाल खट्टर सरकार की नॉन परफॉर्मेंस यहां पर फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल मोदी से इतने नाराज हो ना हो, लेकिन खट्टर से जो नाराजगी है वो यहां पर मोदी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने वाला है मनोहर लाल खट्टर सरकार की 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, गठबंधन में 5 साल और उससे पहले 4.5 साल और उससे पहले के 5 साल यानी 9.5 सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो यहां पर मोदी पर भारी पड़ सकती है। और मोदी के खिलाफ दरअसल गुस्सा इसलिए भी नजर आ रहा है कि जिस तरह की जो ईडी की जो कार्रवाई अलग अलग टाइम पर देखने को मिली और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, एक जाति विशेष जो है खासा नाराज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देखने को मिला। हालांकि गैर जाट वोट को अपने खाते में भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है और जिक्र आप कर रहे थे कि जीटी बेल्ट और नॉन जीटी बेल्ट, यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण पहलू से अपने तमाम दर्शकों को रूबरू करवाना चाहूंगा। दरअसल जो नॉन जीटी बेल्ट है वो जाट बेल्ट के रूप में मानी जाती है या अहीर बेल्ट के रूप में मानी जाती है। अहीर क्षेत्र जरूर यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेट माना जाता है, लेकिन जाट बेल्ट का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर खासी नाराजगी कह सकते हैं कि आमने सामने की स्थिति यहां पर जाट वोटर्स और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। अब जिक्र अगर मैं जीटी बेल्ट का करूं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो सबसे बड़ी चिंता है, जो संकट है, वो इस वजह से है कि किसान आंदोलन दरअसल इसी जीटी बेल्ट पर खड़ा होता हुआ नजर आया था। कुरुक्षेत्र का इलाका, कैथल का इलाका कह सकते हैं कि पूरी छोटा सा कमेंट वो पंजाब के किसानों ने इसी रास्ते के जरिए दिल्ली में दाखिल होने का काम किया था और उसी इलाके में पंजाब के किसानों की जो हालत है, किसानों की जो हालत है, वो तमाम हर दाव तो सियासी पार्टियों ने चल दिया कि इस वजह से बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो की वजह से परेशानी और क्या कुछ उस इलाके में और बचा है जो अंतिम दिन देखने को मिलेगा इन 2 दिनों में। वीरेन जी देखिए जीटी रोड बेल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षित गढ़ है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उसमें सेंध लगाने में सफल होगी। अब ये रोहतक की जो चुनौती है जो जाट बेल्ट के अंदर है वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, तो ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने जीटी रोड के गढ़ को बचाने में सफल होती दिखाई दे रही है और जो जाट बेल्ट है जिसके हम देश वाले बेल्ट कहते हैं, बागड़ बेल्ट कहते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और जहां गुड़गांव और फरीदाबाद की सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी देर सवेर अपनी स्थिति सुधार करने में सफल हो रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो किसका दाव फिट बैठता है ये जनता तय करेगी। मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, 25 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे।